बहन कुमारी मायावती जी का मिशन चक्रव्यूह। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा प्लान, सभी के विकास का होगा बहुजन समाज पार्टी के नीतियों में समावेश। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी महिला, युवा, अल्पसंख्यक समुदाय, साथ ही OBC और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद अब मिशन चक्रव्यूह पर काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती, इन्होंने 2022 के लिए बड़ा प्लान बनाया है। बुद्धिजीवी वर्ग को एक छत्र में बहुजन समाज पार्टी लाने वाली है और आम जनता के मुद्दों पर चर्चा करके जमीन पर काम करेगी, जिसमें NGO, सामाजिक संगठन, बहुजन चिंतक, विश्लेषक और पत्रकारों का भी समावेश रहेगा। इसी के साथ साथ युवा वर्ग की भी इसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। इस मिशन चक्रव्यूह में सभी जाति धर्मों के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। मिशन चक्रव्यूह के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी आम जनता के विकास के लिए नई नीतियां बनाएगी। जैसा कि गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में रहे 4 बार के शासनकाल को जनता के विकास और कल्याण के लिए जाना जाता है, जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी की नेत्री के पास एक से बढ़कर एक एक्शन प्लान होते रहे। सभी मनुवादी पार्टियां भी बहन कुमारी मायावती जी के समीकरण और गणित को समझने में अब तक नाकाम ही रहे हैं। वही अब उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के विकास एवं कानून राज को पुनर्स्थापित करने हेतु बुद्धिजीवियों और युवाओं के साथ मिलकर मिशन चक्रव्यूह को अंजाम देने का ठाना है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।